बुराई करेंगे, आपकी डराएंगे, आपको कोई आपको गाली ना दे, इम्पॉसिबल। गिरना भी जरूरी है। आम आदमी से अगर आप बात करें तो उसको 24 घंटे मस्ती चाहिए। ऊपर उठना है तो ग्रेविटी से बचना पड़ेगा, उन्हीं से बचना तो टैलेंट है। अगर हार बर्दाश्त करने का दम नहीं है तो राजा बनने का सपना छोड़ दो, कभी नहीं बन पाओगे। कैसे अगर आम आदमी के गुण भी आपके अंदर हैं तो हो सकता है आप बहुत योग्य होने के बाद भी कुछ ना कर पाए। जैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, ग्रुप वन एलिमेंट्स, ग्रुप टू एलिमेंट्स, ग्रुप थ्री, ऐसे इंसान भी हैं और उनकी ग्रुप के हिसाब से प्रॉपर्टीज हैं। तो राजा की अपनी प्रॉपर्टी होगी और जब राजा आम आदमियों के जैसा बिहेव करने लगेगा खतरे में पड़ेगा, परेशान होगा। चुनौतियां तो राजा के पास हमेशा रहेगी। राजा मतलब जिसका 24 घंटा चुनौतियों में है, और चपरासी मतलब जिसके जीवन में कोई चुनौती नहीं। अब घर वाले चुनौती हो अलग बात है, बीवी चुनौती हो, बच्चे चुनौती हो, वो सब अलग बात है, लेकिन चपरासी की जिंदगी में कोई चुनौती नहीं होती। राजा मतलब जिसकी जिंदगी में 24 घंटे चुनौती हो और उन चैलेंजेस का वो मजा लेता हो। ऐसे ही लोगों का आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है, उन्हें पढ़ने में मजा आता है, वो अपने पढ़ते में मजा ही आता है। उनके लिए कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता कि 8 घंटे पढ़ेंगी, 10 घंटे पढ़ेंगी, 6 घंटे पढ़ें, पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगी, ये पढ़ें, नहीं नहीं, वो अपना शेड्यूल बनाते हैं तो उसी हिसाब से काम करना शुरू कर दे। राजा के जीवन में रंगारंग है पर नमक की तरह है, क्योंकि राजा का आनंद ही है संघर्ष से लड़ना, संघर्ष में मजा लेना। रंगारंग है, ऐसा नहीं है। आम आदमी से अगर आप बात करें तो उसको 24 घंटे मस्ती चाहिए। भैया पैसा कमा ले का, जैसे मैं यहां बहुत लोगों से मिलता हूं तो कहते हैं अरे भैया इनको कोई काम नहीं है, 15 मकान है, किराया आता है 2 लाख रुपया, जानवर है, जानवर से बदतर स्थिति है यार, कुछ तो करो। किराया आना बहुत अच्छी बात है, किराया आना ही चाहिए, कोई काम ही नहीं कर रहे, फिर इंसान का जीवन मिला किस लिए? मठ में चले आओ, आश्रम में चले आओ, ध्यान साधना करो, कुछ तो करो। लेकिन आम आदमी का सपना है कुछ ना करना पड़े, वो संभव ही नहीं है। भगवान नीचे आ रहा है, उसको करना पड़ रहा है, तपस्या करनी पड़ रही, जंगल जाना पड़ रहा है, साधना करनी पड़ रही, नियम है इस धरती का, कोई बचा नहीं, कोई अपवाद है ही नहीं, कोई अपवाद है ही नहीं, देयर इज नो एक्सेप्शन। ऊपर उठना है तो ग्रेविटी से बचना पड़ेगा, इतनी कला डेवलप करनी पड़ेगी, इतनी कला कि तुम ग्रेविटी से बच जाओ, और जब तुम ऊपर उठने की कोशिश करोगे तो धरती की ग्रेविटी खींचेगी, जो लोग चारों तरफ है वो भी खींचेंगे, उन्हीं से बचना तो टैलेंट है, और क्या टैलेंट है। बुराई करेंगे आपकी, डराएंगे आपको। मैं तो देखा 98% लोग तो इसी में टेंशन में रहते, कोई उनकी बुराई ना करे। आप भीख मांगने लगी, आपकी कोई बुराई नहीं करेगा। आप चपरासी बन जाइए, आपकी कोई बुराई नहीं करेगा। जब बुराई से डर लगता है तो आप चपरासी बन जाइए, आपकी कोई बुराई नहीं करेगा। रिक्शा चलाइए, आपकी कोई बुराई नहीं करेगा। आप राजा बनने का सपना देखेंगे और आप सोचेंगे कोई बुराई ना करे, इम्पॉसिबल। कोई आपको गाली ना दे, इम्पॉसिबल। देने दीजिए, दूर से दे रहा, फेसबुक पे दे रहा, इधर दे रहा, उधर दे रहा, क्या फर्क पड़ता है? आपके पिंजरे में गिर जाए तो फाड़ डालिए। अगर हार बर्दाश्त करने का दम नहीं है, निग्लेक्शन बर्दाश्त करने का दम नहीं है, गाली बर्दाश्त करने का दम नहीं है तो राजा बनने का सपना छोड़ दो, कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि जिंदगी है, एक आध ठोकर कहीं ना कहीं लग जाएगी, 2 लग जाएगी, 3 भी लग सकती, 4 भी लग सकती, कोई बात नहीं। 98% लोग तो इसलिए परेशान है कि कोई उन्हें लोग कहेंगे क्या, कोई कुछ नहीं कहता। सर मुझसे 10 साल कोई मिलने नहीं आया, 2-4 लोगों को, 5 लोगों को छोड़कर,
अब तो सारे रिश्तेदार आते हैं सर, नाराज भी होते हैं मेरे ऊपर, और अब तो अपने बेटे को मेरा ही बेटा कहते हैं कि यार तुम्हारा ही बेटा है। अब सात दिन नहीं आओगे तो बात नहीं करेंगे, मर जाओगे, बात करो चाहे ना करो। गार्डनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वीडिंग। वो अगल बगल जो पौधे निकल आते हैं, पौधे, वो पौधे इतने डेंजरस होते हैं कि अगर आप उन पौधों को ना निकालें तो वो आपका सारा गुड न्यूट्रिएंट खा जाएंगे। इसलिए बहुत लोगों को, जिनको गार्डनिंग का शौक नहीं होता, बिना हॉबी के जो गार्डनिंग करते हैं, वो पौधे लाते तो हैं, दूसरों को देख के लगा तो लेते हैं, पर वो सारे पौधे सूख जाते हैं क्योंकि उनको वीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। ऐसे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीडिंग। अगर आप हरे भरे रहना चाहते हैं, वीड को हटा दीजिए। ये जो खरपतवार अगर आपकी जिंदगी में अगल बगल है, इनको हटा दीजिए। अगर आपका फोन, दोस्त शाम को फोन करता, पूरा हिंदू फोन पर डिस्कस करता, बहुत बढ़िया दोस्त है आपका, वो बहुत बात तो हो ही रही है ना, डिस्कशन तो हो ही रहा है, गेम तो चल ही रहा है, फायदा तो हो ही रहा है, किसी के बारे में जानकर क्या करोगे? इस हमाम में तो सब नंगे हैं यार। जो भी सेंसस पे जी रहा है, जो भी, तो लोगों ने चेहरे लगा रखे हैं ना। मैंने अपना चेहरा उतार दिया, इसलिए मैंने काफिर लिख दिया। यहां हर आदमी के पास चेहरे हैं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं कर, सब करते हैं, सब। हाँ, जो सेंसेस और मन से ऊपर उठ चुका है, जो अपनी चेतना पे आ चुका है, वो पहले आप तो कहेगा नहीं, लेकिन वो दूसरा ही डायमेंशन में जीता है। उसके लिए स्त्री कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई चीज ही नहीं। उसके लिए धन कोई बड़ी चीज है ही नहीं। वो जो आदमी है, लेकिन वो एक बहुत ही माइनॉरिटी है दुनिया में, वो बहुत ही माइनॉरिटी। बाकी तो साहब हम ये नहीं, साहब करते हैं। बहुत ज्यादा इस फिराक में मत पड़ा करिए। अगर आप दुनिया में उलझ गए तो आप गए, आपका खेल खत्म हो गया। और दुनिया का सबसे प्यारा पेशा है आपको उलझाना। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ जो बहुत मजबूत लोग होते हैं अंदर से, वो गिर कर ही संभलते हैं। बच्चा अगर ना गिरे, वो खड़ा है और दौड़ना शुरू कर दे, बच्चा पैदा हुआ खड़ा हो जाए, दौड़ना शुरू कर दे, उसके माँ बाप भाग जाए। गिरना भी जरूरी है, और गिरना जिंदगी में इतना जरूरी है, बहुत जरूरी है। उससे आपको इंसान कौन का पता चलता है। भगवान न करे आप सभी गिरें, कभी कभी प्लान करके गिर जाना चाहिए दिखाने के लिए। साजिश कर लीजिए, एक दिन कोचिंग जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, कॉलेज जाइए, कपड़ा उपड़ा फाड़ के कि मेरे पिताजी ने भगा दिया, कह रहे पैसा नहीं देंगे, अब मैं कैसे रहूंगा, क्या करूंगा। हर आदमी से कहिए कि भैया 10,000 रुपए सब लोग दे दो, कम से कम 6 महीने हम देख लें, फिर आगे अपनी व्यवस्था बनाएंगे। तो 100 लोग अगर आपके व्हाट्सएप में है तो 98 तो भाग जाएंगे, 99 भाग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और 100 भाग जाए तो फिर कोई तो मुद्दा ही नहीं, 100 भाग जाए तो कोई बात नहीं। मैं तो देखा हूं, मैं तो फेस किया हूं, बड़े बड़े लोग साथ में थे, लेकिन हमारा एक मित्र है पंकज पांडे जी, भगवान उनको राजा बनाए, उन्होंने बड़ा, एक मेरे पिताजी और एक पांडे जी क्लासमेट है मेरे, मैं हर क्लास में कहीं ना कहीं उनका नाम ले ही लेता हूं, और उन्होंने आउट ऑफ टर्न बड़ी मदद की। मतलब मैं तो उनके बॉक्स से 50,000 लाख रुपए निकाल लेता था, पर उस बंदे ने कभी, एक आदमी और एक दो लोग हैं लाइफ में जिन्होंने बड़ी विकट परिस्थिति में मदद की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की है, की है, बड़ी विकट परिस्थितियों में मदद की। लेकिन अगर है, अगर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं सर। कोई नहीं मिलता सर। एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे 100 रुपए देने से मना कर दिया था, 10,000 रुपए गिफ्ट दे गए 2 साल पहले, 100 रुपए, 100 रुपए, जो आमतौर पर आदमी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो 100 रुपए देने के लिए मना कर दिया था उन्होंने, वो मुझे 10,000 रुपए का गिफ्ट दे के गए। जिंदगी किताबों में नहीं है, बुक्स आर द लीस्ट सोर्स ऑफ
नॉलेज इन दिस वर्ल्ड. जिंदगी जो असल में एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत बड़ी चीज है. इसलिए फादर की आइडेंटिटी में बाहर मत रहा करिए, बताएंगे मत करिए. आपके बाहर फादर है, आपके 10 दोस्त वैसे ही बन जाएंगे. आपके फादर आईजी है, आपके 10 दोस्त वैसे ही बन जाएंगे. आपके फादर डीएम है, आपके 50 दोस्त वैसे ही बन जाएंगे. तब आप दुनिया को नहीं समझ पाएंगे, तब आप दुनिया को नहीं समझ पाएंगे. और इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है.